फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शगना का चूड़ा किस तरह का सॉन्ग होने वाला है, अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या देखने मिलेगा इस गाने में? शगना का चूड़ा एक शादी सॉन्ग है जो बेसिकली वेडिंग, जब एक लड़की की शादी होती है तो स्टार्टिंग फ्रॉम वो जैसे तैयार हो रही है, उसके बाद उसके सारे रिचुअल्स और उसके बाद उसकी विदाई, वो पूरा एक प्रॉपर शादी का वीडियो है। और आप जब देखेंगे तो आपको कोई भी लड़की रिलेट कर पाएगी कि उसको इमोशनली कैसा लगता है शादी के टाइम पे, विदाई के टाइम पे, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रिलेटेबल इन दैट। रमित, आपको कैसा लगा दूल्हा बन के? दूल्हा बन के तो एक्चुअली जैसा लगता है वैसा ही लगा। अब कुछ कुछ फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता उन लोगों को, बट ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये गाना फीमेल ओरिएंटेड है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए उतना कुछ करने के लिए नहीं था, बट फिर भी। और हर्षा इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने गाया है और आप देख सकते हैं कि अब ये गाना यूट्यूब पे हमारा आउट हो गया है, तो सब लोग देखें और हमें बताएं कि ये गाना सब लोगों को कैसा लग रहा है, आगे सपोर्ट करें। और इस गाने की अगर तैयारी के बारे में बात करें, जैसे मैंने देखा कि बहुत ही हैवी ज्वेलरी और आप लोगों ने पहना है, उसको लेकर कुछ बताइए कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या प्रिपरेशन थी किरदार को लेकर, अगर कुछ बताया। देखिए, मेरे पास तो इतना कुछ हैवी नहीं था, बट मैम हाँ, मेरा एक्चुअली कॉस्ट्यूम 8 kgs का था और उसके अलावा ज्वेलरी वॉज ऑल्सो वेरी हैवी, तो उसको लेकर चलना उतरना, बहुत बार हमने वो जो टेक होते हैं आपको पता है शूटिंग के टाइम पे, उसमें इतना ज़्यादा हैवी था कि आप एकदम एग्जॉस्ट हो जा रहे थे, लेकिन वो इतनी एक्साइटमेंट थी अंदर से कि हम अपना गाना शूट कर रहे हैं और लोग जब बाद में देखेंगे तो वो उनको कैसा लगेगा, तो उसके वजह से हमें पूरी बार बार एनर्जी आ जा रही थी करने में। तो आप लोग को तो पता ही है बॉम्बे में कितना ह्यूमिड होता है, बहुत, तो पूरा डे एक्सटीरियर शूट था, फिर ऊपर से अगर हमने इंटीरियर किया तो एकदम आग के साथ फेरे और वो, हाँ, तो थोड़ी चीजें, फेरे के टाइम पे और गर्मी लग रही थी हमें और हमने आई थिंक 50-60 फेरे लिए थे साथ में। अच्छा, और हम तो जानते हैं रमित बहुत ही अच्छे एक्टर है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि सिंगिंग और एक्टिंग दोनों की है आपने, दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी या डिफिकल्ट था आपके लिए? ईजी या डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बेसिकली मैं सिंगर ही हूँ और ये मेरा पहला गाना है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं खुद इसमें फ़ीचर करूँ और देखूँ कि लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है, लेकिन मेरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, डेडिकेशन इज़ ऑन सिंगिंग ओनली। और मैंने बस कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे एक्टर हैं तो इनके ही थ्रू इन्होंने मुझे बताया कैसे क्या करना है और क्या कर सकते हैं, और हमारे डायरेक्टर थे दुर्गेश राजभट, उन्होंने भी बताया कि कैसे एक्टिंग करनी है, क्या आप किस समय पे कैसे एक्सप्रेशंस दो, वो करते हुए फिर हम करते गए साथ में मिलकर कि हाँ एक्टिंग भी कर ली साथ में, लेकिन ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा खुशी कहते हैं जिससे वो गाना गाकर ही मिलती है हमेशा मुझे। रमित, क्या कहना चाहेंगे एज अ एक्टर, हर्षा आपको कैसी लगी? मैं और हर्षा एक्चुअली बहुत पुराने फ्रेंड्स भी हैं, तो हर्षा ने काफ़ी अच्छा किया जो मुझे भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई, और काफ़ी इमोशनली सीन्स, क्योंकि ये बहुत फ़नी है, एकदम हंसती रहती है और उस टाइम भी हंस रही थी, मैं अचानक से रो भी रही थी, इमोशंस जो क्रिएट कर रही थी, तो उस टाइम तो मैं बिज़ी था, बट जब हमने उस गाने को देखा तो मुझे लगा यार तुम एक्ट्रेस भी हो, ऐसा ना हमारा काम बंद हो जाए। तो ये था। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये बात, कि हमने ये गाना ऐसे टाइम पे शूट किया था जब बॉम्बे में आपको पता है कि एक वो तूफान चल रहा था और हम ऑलरेडी ये सब बुक कर चुके थे और पूरी रात बारिश हुई है, सब तहस नहस हो चुका था जिस जगह पे ये शूट किया है, जिस हवेली पे, और बस भगवान की कृपा थी कि हमने ये गाना बारिश में भी शूट किया है आउटडोर, और मैं काफ़ी देर तक गीला भी रहा हूँ कॉस्ट्यूम्स में, शायद देख नहीं रहा होगा, तो कैसे करके भी बस हम प्रे कर रहे थे कि गाना शूट हो जाए, क्योंकि हमारा पहला ये प्रोजेक्ट था और ये एक्शा स्टूडियोज़ जो प्रेजेंटेड बाय एक्शा एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है, तो
अब कहते हैं ना, आपके इरादे नेक हो तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो बस। और गाने में आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए क्या खास किया था आप लोगों ने? मैं बोल तो रहा हूँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और लड़ते भी बहुत हैं, तो केमिस्ट्री अच्छी इसलिए है और हम हंस इतना इसलिए ज़्यादा रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमें इतना कंफर्टेबल थे ये करते हुए क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अननोन पर्सन है, या बीच बीच में हम जैसी शूटिंग बंद हो रही है वैसे बैठकर हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो पूरे टाइम वो फन वाला माहौल था, इसलिए ऐसा लगा ही नहीं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ही ईजिली शूट निकल गया। राइट ऑल्सो गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ हो चुकी है और हमने हमें भी पसंद आया बहुत, अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। हाँ अच्छा प्लीज। शगना दा चूड़ा पाके हथाच मेहंदी मिला के अखा च सुफने सजा के तेरे नाल जाना मैं तेरे नाल जाना है। सो आने वाले समय में क्या एज अ एक्टर भी आपके प्रोजेक्ट्स हमको देखने मिलेंगे या फिर एज अ सिंगर कंटिन्यू करने वाली हैं आप? नहीं, मैं एज अ सिंगर ही कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ किसी किसी आगे जो आने वाले गाने हैं किसी किसी में मैं थोड़ा बहुत फीचर हो जाऊँ, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेन ये है कि हम मिलकर गाना लाएं, एक शाह स्टूडियोज़ जो हमारे पीछे खड़ा है एकदम एज अ बैकबोन, और वो ना सिर्फ हमारे लिए और भी जितने नए आर्टिस्ट हैं जो इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं सिंगिंग में अपना नाम बनाने की और उनको मौका नहीं मिल पाता है, ये एक शाह स्टूडियोज़ के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं कि वो बिल्कुल हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट को ये मौका दे रहा है कि वो आगे जाके अपने गाने इसके थ्रू लॉन्च कर पाएँ, और हम भी वही करेंगे। और अगर मौका मिला तो फीचर करने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गाने की बात है, नो एक्टिंग के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है। ओके रमित, नहीं हमने रिसेंटली आपको देखा था, एक वेब सीरीज शूट हो रही थी वहाँ पर कर एक शाह लो। एंटरटेनमेंट की थी, हाँ और जी, हाँ जी, ये अब गाना, तो और कितने प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है अगर उस बारे में कुछ बताएं? एक्चुअली मैं इस एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, तो ये अभी एक आप गाना एक देख रहे हैं और एक सीरीज़ एक अभी हमारी शूट हो चुकी है और एक और आने वाली है, तो इनके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं एकांश, तो और डायरेक्टर ऑलरेडी हमारे साथ हैं, जो अभी एक नए डायरेक्टर जुड़े हैं जिनका नाम है नील पांडे, तो आगे प्लान तो काफ़ी बड़े हैं और बस देख रहे हैं कि कैसे कितना आगे हम जाएं। आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए और जो पब्लिक है हमें उतना प्यार दें, फिर तो कोई रुकता नहीं है जब आप लोग का और पब्लिक का प्यार मिलता है तो। लास्टली क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को गाने के बारे में? हम दोनों मिलकर हमारी पूरी टीम की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को शेयर करें, इसको देखें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक शाह स्टूडियोज़ को, और प्यार करें हाँ प्लीज, बहुत प्लीज़। बहुत सारा प्यार हाँ, करें क्योंकि हमारे गाने को क्योंकि आप हमारा पहला पहला गाना है। गाना है और हम आप लोग के प्यार के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ना आपके और ना इस मीडिया के, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।